पिछले दिनों कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई। भारत सरकार ने सजा पर हैरानी जताई और सरकार इन सभी को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बता दें, नौसेना के इन 8 अधिकारियों को कतर ने एक साल से अधिक समय से हिरासत में रखा हुआ है, लेकिन मामले में जितनी तेजी दिखाते हुए कतर की ओर से ये जो फैसला आया है वह काफी हैरान कर देने वाला है। अब वहीं कतर की अदालत द्वारा 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाने के बाद उन्हें बचाने के लिए अब भारत सरकार कानूनी, राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर हर तरह के प्रयास कर रही है। भारत के जिन 8 अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनके परिजनों को सजा के खिलाफ अपील और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें भरोसा है कि सरकार उन्हें बचा लेगी। उन्हें भरोसा है कि शीर्ष स्तर पर हस्तक्षेप से हल निकल सकता है। परिवार के सूत्रों का कहना है कि 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे है और उस दिन वहां के शासक कैदियों की सजा माफ कर दें। अब देखना होगा कि भारत सरकार के कतर के जेल में बंद अधिकारियों को बचाने के प्रयास क्या रंग लाते हैं। बता दें, नौसेना के वे सभी 8 अधिकारी जिन्हें मौत की सजा मिली है, वे कतर में एक निजी फर्म के लिए काम कर रहे थे। नेवी के जिन 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है, इनके नाम है कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर राकेश। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा दी। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा और वे अहम पदों पर। इन सभी को जासूसी के आरोप में पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया गया। बता दें, अगस्त 2022 से कतर की जेल में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी बंद। कतर में भारतीय नौसेना के इन अधिकारियों को हिरासत में क्यों लिया गया, उनके खिलाफ क्या आरोप है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के जिन अधिकारियों पर कतर में मुकदमा चल रहा है, उन पर इसराइल के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर की जेलों में इस समय 8,441 भारतीय बंद, इनमें 4,600 खाड़ी देशों में और कतर में 696, बहरीन में 277, कुवैत में 446, ओमान में 139, सऊदी अरब में 1,461 और यूएई में 1,611 भारतीय जेलों में बंद। और आपको बता दें कि कई मामलों में तो कैदियों को उनका जुर्म तक नहीं पता। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।